हेलो फ्रेंड, तो मैं हूँ जाफरान शेख और आपको दिखा रहा हूँ जाफरान ब्लॉग। तो आज हम आपको एक घाट दिखाने वाले हैं दरियापुर में। जितने भी घाट हैं, मतलब छठ पूजा के शुभ अवसर पर जितने भी घाट बने, मैं आपको उन सब को दिखाऊंगा, उन सभी के घाट को दिखाऊंगा, आज सभी लोगों को भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं अपने दरियापुर पंचायत के सबसे लायक घाट, मतलब यहाँ धर्मपुर। तो मैं अभी आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ, धर्मपुर का घाट दिखाऊंगा, फिर मैं आपको आगे घाट दिखाता हूँ। दोस्तों चलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ तक तो आ गए हैं, अब इसके नीचे चलेंगे। तो यहाँ से घाट कम से कम धर्मपुर का घाट 1 किलोमीटर नीचे पड़ता है, तो अभी हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। आप ये व्यू में देख सकते हैं कितना दूर है, तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। फ्रेंड, अभी हम आ चुके हैं अपने पंचायत के फर्स्ट घाट, दरियापुर पंचायत के घाट। तो आप यहाँ से इसका व्यू देख सकते हैं, ये दरियापुर का पंचायत का फर्स्ट घाट, ये देख सकते हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पे लगा हुआ। तो आज शाम का पहला रथ, मैं आपको उधर भी दिखा दूँ, आप ये देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ भी। तो दोस्तों, मैंने आपको पहला घाट धर्मपुर का घाट दिखा दिया, तो मैं अब चल रहा हूँ दूसरे घाट की ओर। तो दूसरा घाट जो है वो टोला पे पड़ता है काली मंदिर के पास, तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, वहाँ का घाट का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी हमने दरियापुर पंचायत के दूसरे घाट टोला पे आते देख सकते हैं, काफी लंबा चौड़ा भीड़ लगा हुआ, तो मैंने आपको इसका पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। इधर दो दो ट्रेनिंग रूम भी बनाया गया है, एक इधर और एक उधर, दोनों साइड ट्रेनिंग रूम भी बनाया गया है। मैं आपको उधर के साइड लेके चलता हूँ, उधर से मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊँ। तो फ्रेंड, मैंने आपको अभी इसका पूरा व्यू दिखा दिया, तो मैं अब चल रहा हूँ अपने घर के इधर। एक घाट है मेरा दरियापुर पंचायत घाट, सबसे लास्ट घाट दरियापुर पंचायत में वही, तो मैं आपको अब उसका व्यू दिखाने ले आपको लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, स्किप वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और फुल वीडियो मेरा देखें। आप ये देख सकते हैं, ये दरियापुर पंचायत का छठ पूजा का मूर्ति यहाँ पे बन चुका है, आप ये देख सकते हैं। ये कमेटी के लोग और ये हमारा घाट है, अब हम आपको इसके ओर लेके चलेंगे। ये दरियापुर का पंचायत का सबसे लास्ट घाट यही, मैं आपको अब इसके ओर आपको लेके चलता हूँ। तो फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे आगे, आगे का पूरा आपको हम व्यू दिखा रहे हैं, चल रहे हैं अब आगे। दोस्तों अभी मैंने यहाँ तक पहुँचा और ये एक गेट है, इस गेट के अंदर अभी हम लोग एंट्री करें, इसके बाद का आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। और फिर आगे जो दो पुलिया है और एक कच्चा रास्ता, मैं आपको उसका भी व्यू दिखाऊंगा। उसका व्यू दिखाने के बाद जो आपको मैंने बोला था पीपा पुल, मैं आपको उसका भी नज़ारा दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये दोनों पुल, एक लोहे के और एक लकड़ी के, दोनों पुलिया है और ये एक कच्चा रास्ता है। कच्चा रास्ता यहाँ पे काफ़ी सजावट हो रखी है और मरकरी भी लग चुका है। और मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ आगे पे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि लगभग 5000 के करीब लोग यहाँ पे, पूरे पंचायत के लोग सबसे ज़्यादा दरियापुर में ही आने का ख्वाब रखते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, मैं आपको आगे से नज़ारा दिखाता हूँ, आप देखेंगे तो यकीन है दरियापुर पंचायत में सबसे ज़्यादा भीड़ लगता है। तो मैं आपको अब वहाँ लेके चलता हूँ, ये देख सकते हैं दरियापुर पंचायत में तीनों घाट से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसी में भीड़ है। और ये है पीपा पुल, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी हूँ पीपा पुल पे, आप ये देख सकते हैं पीपा पुल का नज़ारा, काफ़ी भीड़ लगा हुआ है पीपा पुल पे, देख सकते हैं। दोस्तों पीपा पुल पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती हुई है, यहाँ पे लोगों ने कह रखा है कि पहले से एक बार जाइए और एक बार आइए, लेकिन आदमी माने तो यहाँ पे दोनों तरफ से आदमी आने जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पीपा पुल पे भीड़। आया हूँ आइलैंड पे, अब आपको लेके चल रहा हूँ गोवा के साइड, जो कि मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था मैं आपको गोवा के साइड लेके आऊँगा। तो गोवा गोवा के साइड लेकर, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 5000 की संख्या में भीड़। यहाँ पे दोस्तों तीन ड्रेसिंग रूम भी बनाया गया, एक दो और वो तीसरा ड्रेसिंग रूम, मैं आपको उसका पूरा दिखाता हूँ। और आप हर साल आते हैं? हर साल आते हैं।
और इसी घाट पे हर साल बेचते हैं, तो आपका काफ़ी अच्छा बिकता है। दरियापुर पंचायत काफ़ी अच्छा है, आपको कोई दिक्कत भी यहाँ पे होता है? तो आपने भाई सुना, ये हर साल तिगरा से आते हैं यहाँ बेचने के लिए दरियापुर पंचायत में, ये हर साल दरियापुर पंचायत में बेचने के लिए आते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके मुँह से आपने सुना, ये खुद बोले ये हर साल आते हैं, इनको कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो आप इसी से अनुमान लगा लें कि हमारा दरियापुर पंचायत कितना अच्छा पंचायत। हेलो फ्रेंड, अब हम लोग जा रहे हैं पीपा पुल से वापस। आप देख सकते हैं पीपा पुल पे कितनी भीड़ है, आपको मैं पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ। जाम लगा हुआ यार पीपा पुल पे, ऐसा लग रहा है। तो मैं आपको आगे से भी दिखा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं पहला आरक सब देखे और अपने घर की ओर जा रहे हैं। अब कल सुबह का भी मैं आपको व्यू दिखाऊँगा। आप ये देखिए अभी भी मतलब कि जो घाट जिसे आप घाट करते हैं आईलैंड, वहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा। दोस्तों ये हमारे दो नए सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, दोनों हमको सब्सक्राइब भी कर चुके हैं। ये दोनों काफ़ी उत्साहित थे मेरे वीडियो में आने के लिए, तो मेरे फ्रेंड्स हैं, इसको थैंक यू कहना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, ये सब हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर है, आप इसको देख लें, ये सब परमानेंट सब्सक्राइबर है। काफ़ी दोस्त भी हमारे मिल चुके हैं यहाँ पे, और ये हमारे दरियापुर पंचायत से के लोग सब अपने अपने पहला आ रखते हैं। छठी मैया का मूर्ति वही लगा हुआ है दरियापुर चौक पे, आपको मैं वहाँ जूम करके। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 5 बज रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो मैंने कल भी यही कपड़ा पहन रखा था और आज भी मैंने यही पहन रखा, बस ऊपर से एक जैकेट डाल लिया। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ सुबह वाला जो छठ पर्व का अड़क होता है, सेकंड अड़क सुबह वाला, तो मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। तो अभी मैं आधे ही रास्ते हूँ, तो मैं अब जा रहा हूँ, तो आपको मैं आगे का रास्ता दिखाता हूँ, पूरा घाट का नजारा मैं दिखाऊँगा। कल 3 घाट का दिखाया था, आज भी 3 घाट का दिखाऊँगा, तो वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। दोस्तों ये देख सकते हैं पीपा पुल, काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ लग चुका, और ये मैं आपको सुबह का नज़ारा दिखा रहा हूँ सुबह के 5 बजे। आप ये देख सकते हैं सुबह के 5 बजे का ये नज़ारा है। दोस्तों मैं आपको ये बाहरी हिस्सा से दिखा रहा हूँ दरियापुर पंचायत का फर्स्ट घाट और लास्ट घाट। फर्स्ट भी घाट दरियापुर पंचायत से यहीं स्टार्ट होता है और लास्ट भी इधर ही होता है, और लेकिन एक लास्ट धर्मपुर में होता है, एक लास्ट यहाँ, और बीच में जो है वो टोला पे है। तो मैं आपको यहाँ से पूरा दिखाता हूँ, पूरा बाड़ी हिस्सा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और ये देख लीजिए हमारे नाव पे काफ़ी लोग सवार हैं, ये सब देखिए, सब हम लोग एक नाव पे आए हैं और नाव से आपको पूरा नज़ारा देखिए। फर्स्ट घाट और लास्ट घाट दोनों यही घाट है। तो दोस्तों मैं आपको अब लेकर चलता हूँ आगे, आगे मैं आपको दिखाऊंगा टोलापर का घाट, उसके बारे में भी आपको मैं आगे बताता हूँ। तो मैं जैसा कि आपको बता दूं, मैं अभी पहुँच चुका हूँ टोला पे, जो कि दरियापुर पंचायत के बीचों बीच ये घाट पड़ता है टोला पे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन यहाँ पे बलग में ही गहराई, इसीलिए यहाँ पे रस्सी उस्सी लगा दिया गया है। और हम लोग यहाँ पे डेंगी से मतलब कि नाव से पूरा सबका सुरक्षा में है और सबको दे रहे हैं सुरक्षा, सबको देख भी रहे हैं। आप देख लीजिए हमारे नाव पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी दिनों से यहाँ पे मेहनत हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। कहते हैं वही है पड़प करने वाले, स्नान कर रहे हैं अपने गंगा जी के शुद्ध जल से। हेलो। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं ये हमारे पीछे जो टोलापर का घाट था, अब हम लोग इसका पूरा व्यू कर चुके हैं वीडियो, अब हम लोग चल रहे हैं हमारा सबसे लास्ट घाट जो कि धर्मपुर में पड़ता है बाटा मोड़ के साइड। तो अब लोग हम वहां चल रहे हैं, वहां का व्यू आपको हम पूरा बाहरी हिस्सा से दिखाएंगे। दोस्तों चलते हैं।
तो दोस्तों मैं आपको जैसा कि बता दूं, ये हमारे पंचायत के सबसे लास्ट घाट धर्मपुर का लास्ट जो कि बाटा मोड़ के साइड पड़ता है वो यही घाट है। तो मैं आपको इसका फुल नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको जैसा कि बता दूं, ये हमारे पंचायत के सबसे लास्ट घाट धर्मपुर का लास्ट जो कि बाटा मोड़ के साइड पड़ता है वो यही घाट है। तो मैं आपको इसका फुल नज़ारा दिखाता हूँ। ये वार्ड कमिश्नर का है। तो दोस्तों आपको अभी हमने तीनों घाट का व्यू दिखाया, दरियापुर पंचायत में तीनों घाट का भी हमने आपको व्यू दिखा दिया है। तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को आप लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।